गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज है पर्सनली सेवन आर। सेवन आर कल बताई थी, आज भी। आज कुछ सवाल देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बढ़िया सवाल है। ये सवाल नंबर 4 का A, बहुत बढ़िया सवाल है। आई बराबर दिया हुआ है एस स्क्वायर प्लस 1 एस की पावर 4 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 और डी एस। बहुत ध्यान से देखिए, ये सवाल देखा आपने, प्रोसीजर है। बराबर लगाइए, ऊपर एस स्क्वायर कॉमन लीजिए तो आ जाएगा 1/s², नीचे भी एस स्क्वायर कॉमन लीजिए आ जाएगा एस स्क्वायर, यहाँ 1 यहाँ 1/s² और डी एक्स। क्लियर? फिर देखिए बराबर, ये एस स्क्वायर कट गया। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहां तक आया। इसको क्रम से लिख लो, एस स्क्वायर 1/s² प्लस 1। ध्यान से देखिए, यहां पर इसको देखिए, यहाँ x लिख 1 लिखा तो x लिखे, यहाँ प्लस, अगर प्लस निशान दे हम माइनस लिखिए 1/x, इसको माना। तो पहले इसका s के सापेक्ष अवकलन करिए ध्यानपूर्वक, s के सापेक्ष अवकलन d/dx x माइनस s की पावर माइनस 1 dt/dx बराबर s का करेंगे 1 आएगा, यहाँ माइनस 1 s की पावर माइनस 2, यानी 1 + 1/s² इधर और dx। ध्यान से, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस मानिएगा तभी चिन्ह बनाएगा, और जो माना उसको एक बार फिर ले लीजिए, t = x - 1/s, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करिए, दोनों पक्षों का वर्ग, तो यहाँ t² यहाँ x - 1/s² तो t² s² + 1/s² - 1 2 x कट जाए, इसको इधर ले लीजिए t + 2 = s² + 1/s² फिर आइए देखिए ध्यान से, इसकी जगह हम dt लिख सकते हैं, इसकी जगह t² + 2 + 1, यहाँ dt, यहाँ t² 3 √3 2 ये फार्मूला बन जाएगा 1/a tan इनवर्स t/√3 + c। अब t का मान रख दीजिए x - 1/s √3 + c। ज़्यादा एलसीएम ले लीजिए, हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान से। एक सवाल आपका ये निपट गया, दूसरा सवाल देखिए, बिल्कुल सेम ऐसे 4b। आई बराबर कुछ नहीं, यहाँ पे दिया हुआ s² - 1, बाकी नीचे सेम, ठीक। ऊपर से x² कॉमन तो 1/s², यहाँ dx देखा, नीचे भी x² कॉमन ले लीजिए, s² + 1 + 1/s², ये s² कैंसिल हो गया। फिर देखिए यहाँ 1 - s² / s² + 1/s² + 1। अब इसमें देखिए माना t = यहाँ माइनस है तो प्लस मानिए, s के सापेक्ष अवकलन dt/dx = d/dx x - 1/s dt/dx = ये 1 ये -1 s² - 2 = 1 + s² तो dx यहाँ चला जाएगा dt। फिर देखिए
जुर्माना तो फिर ले लीजिए, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, टी स्क्वायर माइनस टू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये मान यहाँ रख दीजिए, ध्यान पूर्वक, यहाँ पे डी टी, यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, यहाँ डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पे सूत्र याद होगा आपको कौन सा लगता है, वन अपॉन टू ए, टू ए मतलब वन, लॉग टी माइनस वन टी प्लस वन प्लस सी। अब टी का मान रख दीजिए, वन अपॉन टू लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। ये हल, बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको तैयार करिए। सवाल नंबर आठ, ऊपर लिखा हुआ कॉस एक्स, नीचे लिखा है टू प्लस साइन एक्स एक ब्रैकेट में, दूसरे में लिखा है वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और ये डी एक्स। ध्यान दीजिए, ऊपर कॉस है नीचे साइन, तो बिल्कुल सिंपल, माना टी बराबर साइन एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन डी टी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स बराबर कॉस एक्स, तो डी टी बराबर कॉस एक्स और डी एक्स। यहाँ मान लीजिए, यहाँ डी टी, यहाँ 2 प्लस टी, यहाँ 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। अब लिखिए आंशिक भिन्न से हल, 1 अपान 2 प्लस टी, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, a अपान 2 प्लस टी, b अपान 1 प्लस टी, प्लस सी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर लगा हुआ, पीछे बता चुके अगर दो घात है दो दो क्वेश्चन लगाएंगे, तीन घात तीन तक जाएंगे, एक से शुरू होंगे वहां तक जाएंगे जहां तक की घात दी गई है। क्लियर सभी लोगों को? यार अगर तीन घात होती तो एक और बढ़ा देते हैं। अब इसमें एलसीएम लीजिए, समीकरण नंबर वन डाल दीजिए, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, एलसीएम तो तय रहेगा टू प्लस टी, वन प्लस टी का होल स्क्वायर, यहाँ वन प्लस टी का होल स्क्वायर, यहाँ बी के साथ टू प्लस टी वन प्लस टी और सी के साथ टू प्लस टी
ये काट दीजिए, वन बराबर ये लीजिए ए, इसको खोलिए, टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन, बी बराबर बी के साथ टू टी प्लस टी स्क्वायर, फिर वन का गुणा टू प्लस टी और सी के साथ टी प्लस टू, फिर आइए वन ए टी स्क्वायर टू टी प्लस वन, बी के साथ टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस टू प्लस सी टी प्लस टू। समीकरण नंबर दो, दोनों पक्षों से वन टी और टी स्क्वायर गुणांकों की तुलना करने पर, अभी कहाँ है, अगली लाइन में आए, फिर देखिए ए किसके साथ है, ए प्लस बी टी स्क्वायर, फिर देखिए टू ए थ्री बी प्लस सी, यहाँ टी, फिर आइए प्लस ए प्लस टू बी प्लस टू सी। समीकरण नंबर दो किसको लिखे, वन प्लस जीरो टी प्लस जीरो टी स्क्वायर, तुलना कर दीजिए, ए प्लस बी बराबर जीरो, टू ए प्लस थ्री बी प्लस सी बराबर जीरो, ए प्लस टू बी प्लस टू सी बराबर वन। अब देखिए बी का मान यहाँ निकालिए तो क्या आएगा, माइनस का ए, यहाँ टू ए प्लस थ्री माइनस ए प्लस सी बराबर जीरो, टू ए माइनस थ्री ए प्लस सी बराबर जीरो, माइनस ए प्लस सी बराबर जीरो, सी बराबर आपका ए आ जाएगा। ए की जगह ए, बी की जगह रख देंगे तो माइनस का टू ए और सी की जगह ए बराबर वन, ए माइनस टू ए प्लस टू ए बराबर वन, तो टू ए से टू ए कट गया, ए बराबर वन आ गया, तो सी बराबर वन आ गया और बी बराबर आ गया माइनस वन। अब ए बी सी का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर रख दीजिए, वन अपॉन टू प्लस टी, वन प्लस टी का स्क्वायर बराबर ए का मान है एक, एक बटे टू प्लस टी, बी का मान है माइनस वन, तो यहाँ माइनस वन कर दीजिए वन, वन प्लस टी, और सी का मान है वन, वन प्लस टी का होल स्क्वायर। ए का मान वन, बी का मान माइनस वन और सी का मान प्लस वन रख दिया। यहाँ लिखिए समाकलन करने पर, समाकलन करने पर यहाँ टू प्लस टी वन प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी बराबर वन टू प्लस टी, यहाँ डी टी, यहाँ वन प्लस टी डी टी प्लस वन प्लस टी का स्क्वायर डी टी। मान लीजिए, माना एम बराबर टू प्लस टी, टी के सापेक्ष अवकलन तो डी एम अपॉन डी टी बराबर वन, डी एम बराबर डी टी, यू बराबर मान लीजिए वन प्लस टी, टी के सापेक्ष अवकलन डी यू डी टी बराबर वन, तो डी यू बराबर डी टी रखो यहाँ पर, वन अपॉन एम डी एम, वन अपॉन यू डी यू,
वन अपॉन यू स्क्वायर डी यू। इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग एम, यहाँ लॉग यू, इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस वन अपॉन यू, लॉग एम अपॉन यू माइनस वन अपॉन यू प्लस। अब m का मान रख दीजिए log 2 प्लस टी 1 प्लस टी माइनस 1 प्लस टी प्लस सी dt 2 प्लस टी 1 प्लस टी का स्क्वायर। फिर बदल दीजिए, यहाँ पे cos x dx, यहाँ पे 2 प्लस साइन x, यहाँ पे 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर बराबर लॉग 2 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, आपका ये आंसर। ध्यान समझ लीजिए, पहले कॉस साइन लिखा तो साइन को माना, कॉस गायब हो गया, अब गुणांकों में आ गया, जब गुणांक आता है तो आंसर भी लगाना पड़ता है, तो चूंकि तीन पद नीचे तो क्रम से लिख दिया ए बी सी करके, इसको एलसीएम लेके हल किया, ए बी सी का मान निकाल दिया, ए बी सी का मान फिर समीकरण नंबर एक में रख दिया, इसके बाद रखने के बाद फिर समाकल निशान लगाया, डिग्री किया, क्योंकि टू प्लस टी तो एम मान लिया, वन प्लस टी को यू मान लिया, इसको सॉल्व कर दिया, फिर सवाल पूरा स्थिति में पहुँचाने लिए टी की वैल्यू रखनी पड़ती है, इस प्रकार सवाल सेट हो जाता है। क्लियर, आज 7 आर आज से ख़त्म होती है, जो एक दो सवाल हमने छोड़ रखे हैं उनको लगाइएगा, सेम पुराने तरीके से है, अगर ना है तो पूछ लीजिएगा, करेक्ट।